हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश में अपना वक्तव्य दे आपका आशीर्वाद ले भाई दुष्यंत चौटाला। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हमारे अनुशासन समिति के सदस्य, चेयरमैन, पूर्व में रहे स्पीकर चौधरी सतबीर कादियान जी, हमारे बीच में मौजूद जिला के हमारे अध्यक्ष भाई सुरेश काला जी, आपके पानीपत ग्रामीण के प्रत्याशी भाई देवेंद्र कादियान जी, आपके पानीपत शहर के प्रत्याशी हमारे बहुत ही कर्मठ इंसों के साथी भाई जयदेव जी, मंच पर बैठे शिवसेना के प्रदेश के अध्यक्ष शर्मा जी, तमाम मंचासीन पदाधिकारी और आज इस पंडाल में मौजूद ग्रामीण के कोने कोने से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि जो जोश और जज्बा आपने दिखाया है, जिस जोश के साथ आप हमारे उम्मीदवारों का साथ देने के लिए आए करते थे हो, ये साबित कर देता है कि पाणीपत ग्रामीण ने इस बार बदलाव का निर्णय ले लिया। और यही विनती प्रार्थना आपसे करूंगा कि जहां बदलाव की बात आती है, आज मैं देख रहा था बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, कई पत्रकार साथी है और देखो ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि बीजेपी की फूट सामने आने लगी। चार दिन पहले अमित शाह हरियाणा प्रदेश के दौरे पे आए थे तो खट्टर साहब अमित शाह के साथ घूमने नहीं गए, ना कैथल गए, ना लोहारू गए और ना ही महम गए। आज घोषणा पत्र जारी किया तो पहली बार शायद किसी पार्टी के इतिहास में हुआ होगा कि पार्टी के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो को भी हटाने का काम खट्टर साहब ने कर दिया। साथियों, आज आपकी ताकत देखकर बीजेपी घबरा रही है। आज तो ये हालात हो चुके, इनके आपसी फूट के कारण एक ताकत आपको और फालतू में मिल रही है। अब तो उस नारे के बाद हरियाणा प्रदेश के 80 बेगुनाह लोगों को सरकारी गोलियों से मरवा दिया। आज हम जलियांवाला के बाग के बाद अगर सबसे बड़ा कोई ऐसा मैसेकर मानते हैं जहां सरकारी गोली से 79 लोगों की जान गई, जम्मू कश्मीर में भी कभी 40 लोगों को एक साथ नहीं मारा मगर 40 डेरा प्रेमियों को पंचकुला के अंदर 79 लोगों को सरकारी गोलियों से मारने का काम इस बीजेपी के शासन ने किया। साथियों, आज उनको जवाब दो, आज उनको बताओ कि ये जो लोग हमारे प्रदेश को खोखला कर चुके हैं, अब इन लोगों को दोबारा सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। वो जवाब अगर कोई दे सकता है तो आप जैसे बूढ़े बुजुर्ग युवा साथी अपनी ताकत दिखा सकते हो। साथियों, बीजेपी आए तो बुखला गए। वो दादा हर्षमोहन फरसा भेंट कर रहा था, फरसा भेंट करते करते उसने सिर पे मुकुट रख दिया तो हमारे मुख्यमंत्री ने फरसा उसकी गर्दन पर रख कर कह दिया तेरी गर्दन काट दूंगा। उचाना की कैंडिडेट कहती है कोई आंखें दिखाए उसकी आंखें निकाल लो। साथियों, आदमपुर की इनकी कैंडिडेट कहती है कि कोई हमारे बीच में भारत माता की जय ना बोले तो वो पाकिस्तानी है। साथियों, हम तो इंकलाब जिंदाबाद कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हो जाएंगे, हम तो चौधरी देवीलाल की जय बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी हो जाएंगे। साथियों, इनकी सोच है, अनिल जैन जो इनका प्रभारी है वो क्या बोलता है, कहता है दुष्यंत तो बंदर है आग लगाता घूम रहा। साथियों, 5 साल पार्लियामेंट में रहो, गर्व के साथ एक एक हरियाणवी की बात बनकर उस पार्लियामेंट के मंच से हरियाणा के अधिकार लाने का काम किया मगर वो मेरे को बंदर बोलता है तो उससे भी मैं कोई अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करता। बंदर तो हनुमान जी का रूप है और जब इतने बंदर इकट्ठे हो गए तो फिर वानर सेना हमारी तैयार है इस बीजेपी की लंका की आग लगाने के लिए। साथियों, मैं तो निवेदन करूंगा ये 7 दिन हमारे हाथ में है, 7 दिन में अपन तो नेशनल हाईवे पे बैठे हैं, एक एक पत्थर सीधा भी लगाएंगे तो राम सेतु बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो 7 दिन में राम सेतु बना दो और फिर 8वें दिन जब बटन दबे तो इतनी बार चाबी का बटन दबा दियो कि वो चाबी
मैं कहे चाबी वाला बटन दबा दियो, जब चंडीगढ़ जाए तो ताले भी खुले, और ताले खुलने के बाद कमेरे का किसान का राज बने, वहां पर ये रावण राज ना हो, राम राज हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए हम स्थापित करने का काम करें। मैं तो एक विनती अपील आपसे जरूर करूंगा कि साथियों आज नौकरियों को उठाकर देख, आज नौकरियों के अंदर क्या हालात बना दी। 80 एसटीओ इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकली, हरियाणा के खट्टर साहब ने लगाए कितने? 2। ऊपर से मेरे को झूठा बोलते हैं, खट्टर साहब मैं तो आंकड़ों में बात करता हूँ, पर्चा तो आपकी सरकार ने ऑनलाइन डालने का काम किया, इस साल तो 2 लगाए, इससे पिछले साल देख लो 55 निकले, 55 में हरियाणा के लगे 8। साथियों आज यूनिवर्सिटी उठा लो, जितनी यूनिवर्सिटी हरियाणा प्रदेश में है अधिकतम इन यूनिवर्सिटियों के अंदर वाइस चांसलर रजिस्ट्रार हरियाणा प्रदेश के बाहर के हैं। ये हरियाणा का अधिकार नहीं चाहते। पिछले दिनों अमित शाह हरियाणा प्रदेश में आया, आकर कहकर गया कि खट्टर साहब को नौकरियां अच्छी तरीके से देने में बधाई देता। वो बधाई किस चीज की थी? वो नौकरियों के अंदर हरियाणा का हिस्सा काट कर गुजरातियों को नौकरी देने की बधाई थी साथियों, मगर आज मौका है, ये वादा हमारा है, राज बना दो, फिर चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, 75% हिस्सेदारी अगर उन नौकरियों में होगी तो हरियाणा के मूल निवासियों की हमलाने का काम करेगी। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है वो बॉर्डर क्रॉस कर कर आ जाए, मगर साथियों इनके पास 2 ताकतें हैं, एक ताकत मीडिया की है, वो बड़े बड़े चैनल आज जितने दिल्ली से चलते हैं सारा दिखाते ही मोदी मोदी है, और दूसरी ताकत इनके पास पीछों की है। भाई आप उठा के देख लो इनके 90 उम्मीदवार, कोई सा कह दे कि भाई हमारे उम्मीदवार के पास पीछे नहीं है, देख लो जयदेव खड़ा नोरथे गांव का है, एक कमरे का खूड इसके पास है, मगर हिम्मत है, कहता भाई साहब मुझे मौका दो, पानीपत शहर की सीट जिता के दिखाऊंगा। पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को इंसों के साथी को आज आपके बीच में चुनाव में उतारा। आप जाके देखो तेज बहादुर एक संघर्षशील फौजी है, जिसका मोदी ने डर के मारे उसको फौज से भी निकाल दिया, उसका नॉमिनेशन भी रद्द करा दिया, और खट्टर के पसीने काटे बैठा है। 2 टीचर है, 8 ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक आय नहीं है, मगर उनके अंदर हिम्मत है, जज्बा है कि वो चुनाव लड़े। और साथियों आज आपसे विनती करता हूँ, इस बीजेपी के पैसे की मीडिया की ताकत के आगे सिर्फ एक ताकत है जो बदलाव ला सकती है, वो ताकत और कोई नहीं, वो ताकत आपके कार्यकर्ताओं की मैन पावर है, कार्यकर्ताओं की शक्ति है। अगर आप खड़े होकर घर घर जाने लगे और 7 दिन तक इस चुनाव को अपना चुनाव समझ कर लड़ने लगे, तो ये विश्वास और गारंटी आपको दिला देता हूँ कि इस प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का राज बनने से कोई नहीं आपको रोक सकता। एक तरफा राज बनेगा, और राज बनेगा तो हमारे बूढ़े बुढ़िया बैठे हैं, फिर वेट नहीं करनी पड़ेगी कि 2 महीने बाद पेंशन आएगी, 3 महीने बाद पेंशन आएगी, बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं। आपका राज बढ़ने पर आपको घर बैठे, फिर जैसे कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, बुड्ढों को 58, बुढ़िया को 55 उम्र के अंदर घर बैठे हुए 5100 रुपए पेंशन देने का काम आपकी पार्टी करेगी। और 5100 का मतलब है ताई, 2 आएंगे 2000 के, 2 आएंगे 500 के, और 1 आएगा बैंगनी रंग का 100 का, 5 नोट लिफाफे में आया करेंगे, और 5 नोट ताई के और 5 नोट ताऊ के जब आएंगे तो 10,200 बादशाह गड़ेगा नहीं गड़ेगा। वही दूसरी ओर पर जहां पीने के पानी की समस्या है, ये निर्णय हमारा है कि आपका राज बढ़ने पर पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए हर वार्ड के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर, हर गांव के अंदर बड़े आरओ प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे स्वच्छ पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथियों उसी तरीके से जहां सीवरेज की समस्या है, गंदे पानी की निकासी की समस्या है, प्राथमिक तौर पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उस व्यवस्था को पहले दिन से दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। वही साथियों ये बिजली के मीटर की बात अभी कादियान साहब ने करी, वो असलियत है, गरीब का बिल आया करता था 500 रुपए 700 रुपए, इस खट्टर सरकार ने बहाने मार मार कर गुजराती कंपनियों को टेंडर देकर नए मीटर घर के बाहर लगवा दिए, और खुद कहने लग गए बे छापे मारो चोरी पकड़ो, इसका मतलब तो इनको आप पे भी विश्वास नहीं है, ये तो लोग आपको चोर बोलने लग गए। साथियों ये वादा हम करते हैं
जबकि गरीब आदमी के लिए हरियाणा प्रदेश में फिर फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं होगा, 2 किलोवाट कनेक्शन से नीचे वाले आदमी के लिए फिक्स चार्ज आपकी पार्टी करने का काम करेगी, जो आर्थिक बोझ गरीब आदमी के ऊपर ना बने। वही साथियों, आज मेडिकल व्यवस्था मैं देखता हूं, ये कई आरएमपी डॉक्टर है, हमारा टीपू भी खड़ा है, ये आरएमपी है, ये लोग पिछले चुनाव में सारे प्रदेश के खट्टर साहब के पीछे लगे कि हमारे डॉक्टरों का भला कर देगा, पर साथियों ये वादा हमारा है, घोषणा पत्र में भी इसको हम रखेंगे कि हरियाणा प्रदेश के आरएमपी डॉक्टरों को 6 महीने का कोर्स बनाकर उनको प्राथमिक मेडिकल चेकअप के लिए पूरी तौर पर दरस्त करेंगे, जिससे फिर आपकी कॉलोनियों में भी मेडिकल ट्रीटमेंट की दिक्कत नहीं होगी। साथियों एक वादा और मैं आपको कर जाता हूं, आज कैंसर जैसी काले पीलिए जैसी बीमारी परिवार में पहुंच चुकी है, हर घर में पहुंच चुकी है। आज सुबह जब मैं कृषिंदु था, 3 घरों में मेरे को जाने का मौका मिला, उनमें से 3 में से 2 लोग स्वर्ग इसलिए सुधार गए, उनके कैंसर जैसी बीमारी आखिरी स्टेज पर जाकर डिटेक्ट हुई। ये पार्टी का निर्णय है, चाहे काला पीलिया हो चाहे कैंसर हो, जो भी जानलेवा बीमारी है, चाहे भाई मेदांता चले जाइयो, चाहे अपोलो चले जाइयो, चाहे मैक्स में चले जाइयो, फिर खर्चा जेब से नहीं करना पड़ेगा, जानलेवा बीमारियों का पूरा खर्चा आपकी सरकार उठाने का काम करेगी। मेरी तो विनती प्रार्थना आपसे है, पार्टी की 17 घोषणाएं घर घर तक जाकर आप सब अपने वर्कर भाई मिलकर अगले 7 दिनों में उतारने का काम करें। आप हमारे बीच में अर्जुन नगर के XMP भाई बिट्टू चौधरी जी भी हमारे साथ आए हैं, भाई तेजवीर पंचाल जी भी आए हैं, मेयर जैन, मेयर दीन जी